अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, क्लास 9th, विषय हिंदी। मैं अलका शुक्ला आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे है फर्स्ट बुक है क्षितिज, 9th पाठ्यक्रम हिंदी। दो बुक है इसकी, एक तो क्षितिज है भागवन क्षितिज और दूसरी है कृतिका। फर्स्ट आपके है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत अपन ये यहाँ पे सारणी दी हुई है, देखें। ये आपके विषय क्रम दिया हुआ है, इसके अंदर ये है गद्य खंड और ये है पद्य खंड। आज अपन काव्य खंड या पद्य खंड में से जो ये फर्स्ट है ये अपन पढ़ेंगे। कबीरदास जी का अपन कवि परिचय पढ़ेंगे। देखो ये आ गया अपन कबीरदास जी। फर्स्ट है गद्य सॉरी पद्य खंड में पहले भाग है कबीरदास जी। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ, किंवदंतियाँ का मतलब होता है अनेक कहानियाँ, जन प्रचलित कहानियों को कहते हैं किंवदंतियाँ, प्रचलित यानी चल रही हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। इनका जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 के अंतर्गत कहाँ हो गई, मगर में देहांत हो गया, देहांत यानी मृत्यु हो गई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, जैसे अपन क्लास स्कूल में आकर विधिवत यानी नियमानुसार, विधिवत का होता नियमानुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी ने कोई भी विधिवत रूप से नियमबद्ध रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। परंतु सत्संग यानी जागरण में, सत्संग में, भजन कीर्तन में जाके उन्होंने पर्यटन यानी अलग अलग स्थानों पर घूमकर और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण सगुण होते हैं, जो मूर्ति को देखकर पूजा अर्चना करते हैं उसको बोलते हैं मूर्ति में विश्वास करने वाले को सगुण, और जो मूर्ति में विश्वास न करके केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं निर्गुण। संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः जो भक्तिकालीन इन निर्गुण संत परंपरा के जो कबीरदास उनकी रचनाएं मुख्यतः मुख्य यानी प्रमुखतः कौन सी हैं, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनकी सारी रचनाएं कहाँ हैं, कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। कबीर ग्रंथावली में इनके सारे जितने भी ज्ञान है, जितनी भी इन्होंने रचनाएं की वो है, परंतु कबीर पंथ इनके तो चलाए गए, इनका जो कबीर पंथ है उसमें उनकी रचनाओं का संग्रह कहाँ किया गया है, बीजक में। बीजक ही प्रमाणिक, प्रमाणिक यानी सत्यापित ग्रंथ माना गया है। मतलब कितनी भी ग्रंथों में रचना की जाए, संग्रहित की जाए, परंतु जो इनका प्रमाणिक ग्रंथ है वह बीजक ही है। बीजक में जो कुछ लिखा है वही सत्य माना जाता है। कुछ रचनाएं शुरू ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कुछ रचनाएं कहाँ हैं, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब किसका है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी उनकी कविताएं संकलित है। कविताएं क्या सॉरी रचनाएं दोहे पद्य वगैरह। कबीर अत्यंत उदार निर्भय और सदग्रस्त संत थे। कबीरदास जी कैसे थे, अत्यंत उदार मतलब दयालु, निर्भय जो कभी नहीं डरते थे, सदग्रस्त और ग्रस्त जीवन वाले संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले, यानी राम और रहीम हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के भगवान के नाम पर जितने भी चल रहे अंधविश्वास है, पाखंड है, भेदभाव है, उन सभी के लिए तो यहाँ लिखा गया है ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड यानी अंधविश्वास, भेदभाव, छुआछूत या भेदभाव करना, कर्मकांड, धार्मिक जो रीति और परंपराएं हैं उनका खंडन किया है, उनका विरोध किया है। ईश्वर के नाम पर जो भी पाखंड होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, भेदभाव होते हैं या धार्मिक कार्य होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उन सभी का विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक यानी धर्म से जुड़ा हुआ
सामाजिक यानी समाज में जुड़ा हुआ परंतु भेदभाव मुक्त, सबको समानता, कोई उच्च नहीं कोई निम्न नहीं, ना अमीर है ना गरीब है, सभी को एक समान बिना किसी भेदभाव के से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कौन कौन सी बातों से हमें आत्म अभिव्यक्ति, आत्मबोध यानी स्वयं का ज्ञान, जगत बोध यानी संसार का ज्ञान, अभिव्यक्ति यानी उनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ईश्वर से प्रेम ज्ञान वैराग्य यानी सांसारिक सुख और दुख से अलग, गुरु की भक्ति, सत्संग और साधुओं की महिमा के साथ अपने अपनी आत्मा या स्वयं का बोध या संसार में संसार की जानकारी की अभिव्यक्ति उनके कार्यों में मिलती है। संसार कैसा है और मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए। कबीर की भाषा में सहज यानी सरल होती है, सहजता यानी आसानी से समझ में आ सके, उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की जो भाषा वह सहज है और वही उसकी काव्य की एक अभिव्यक्ति, काव्य को प्रकट करने की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है कि जन प्रचलित लोगों में आपस में बोली जाने वाली भाषा के